जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास टेंथ हिंदी माध्यम के गणित के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम लोग वज्र गुणन विधि से समीकरण हल करना देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वज्र गुणन विधि को हम आपको बताए थे, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। इसके पहले आपको ये देखना होगा कि जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म में कब अद्वितीय हल और कब अपरिमित रूप से अनंत हल और कब कोई हल नहीं होता है, ये हम लोग देख लें। तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा रैखिक समीकरण युग्म a2x + b2y + c2 = 0 है। इसको पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन समझ लें, जब a1/a2 ≠ b1/b2 होता है तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक अद्वितीय हल होता है। और जब a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2 होता है तो रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के संपाती होते हैं, और जब एक दूसरे के संपाती होते हैं तो इनका अपरिमित रूप से अनंत हल होता है। और जब a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2 होता है तो रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के समांतर होते हैं और इनका कोई हल नहीं होता है। इसके साथ साथ वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने का मेथड आपको बताया गया है कि जब रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 हो और इसको हल करना हो तो हम करते क्या हैं कि x/y/1 करते हैं, और जब x के नीचे लिखने होता है तो x वाले को छोड़कर b1 का c1 में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और -b2 c1 कर देते हैं। ये b1 c2 -b2 c1। जब y वाला हम पद लेते हैं तो y वाले पद को लेते समय यानी y के नीचे लिखते हैं तो y वाले को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणा की उल्टी क्रिया होती है और उल्टी क्रिया करते हैं तो a2 का c1 में मल्टीप्लिकेशन होता है और माइनस करके a1 का c2 में होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इसके बाद = 1/ होता है, और जब 1/ होता है तो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म वाले को हम छोड़ देते हैं और फिर सही तरीके से a1b2 - a2b1 हम करते हैं। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 3.5 शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम आपको पीछे की चीज़ें बताए हैं या ये बताए हैं कि अगली प्रश्नावली 3.5 पढ़ने से पहले इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। और अब मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5। तो प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चंस को यहाँ देखना है, ये है प्रश्नावली 3.5। देखिए 3.5 में क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, इसको देखना है। तो प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक आप देखें अपने, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, a1/a2 ≠ b1/b2 होता है तो अद्वितीय हल होता है,
किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन आप देख रहे हैं, तीनों कंडीशन के लिए हमने फार्मूला नोट कर दिया है। अब कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, जब अद्वितीय हल हो, और अद्वितीय हल तब होगा जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। वज्र गुणन विधि से हमें हल करना है। अब हम फर्स्ट पार्ट इसका नोट करते हैं, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। पहले का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, x-3y-3=0, और दूसरा रैखिक समीकरण 3x-9y-2=0 दिया हुआ है। ये समीकरण नंबर एक है, ये समीकरण नंबर दो है। तो समीकरण एक में जो कोफिशियंट होंगे वो a1 b1 c1 होंगे, और समीकरण दो में जो कोफिशियंट होंगे वो a2 b2 c2 होंगे। तो चलिए पहले वाले के लिए देखें, x का कोफिशियंट a1 होगा, a1=1 हो गया। फिर y का कोफिशियंट b1 होगा, b1=-3 होगा, और कांस्टेंट c1 होगा, c1 की वैल्यू -3 हो गई। फिर दूसरे समीकरण पर हम आते हैं, तो x का कोफिशियंट a2 a2=3 हो जाएगा, और y का कोफिशियंट b2 b2=-9 हो जाएगा, और c2=-2 हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि तीनों में से कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। जब अद्वितीय वाली स्थिति अप्लाई होगी तो इसको हमें वज्र गुणन विधि से हल करना होगा। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पर a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2 वाले कंडीशन को अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करके देखते हैं कि क्या मिलता है। देखिए ये 1 upon 3 = -3 upon b1 upon b2 - 9, और ये हो जाएगा -3 upon -2। ध्यान दीजिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा। फिर देखिए क्या मिल रहा है, 1 upon 3 = 1 upon 3 = 3/2। तो जरा देखो सामने आप, यहाँ a1 upon a2 = b1 upon b2, क्योंकि 1/3 पहला, दूसरा भी 1/3, लेकिन तीसरा 3/2 है। तो a1 upon a2 = b1 upon b2, लेकिन c1 upon c2 इसके इक्वल नहीं है। तो देखिए फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए a1 upon a2 = b1 upon b2 = not equal to c1 upon c2 होगा। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो दोनों रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के समानांतर होंगे, और जब समानांतर होंगे तो कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो फिर इस समीकरण को हमें आगे हल ही नहीं करना होगा। और फिर चलिए अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 2x + y = 5, तो 5 को हम बराबर के पहले ला देंगे तो -5 = 0 हो जाएगा। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद जो दूसरा समीकरण इसका दिया हुआ है, ये है 3x + 2y = 8, 8 को हम बराबर के पहले ला देंगे तो -8 = 0 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं, तो समीकरण 1 से a1 = 2 b1 = 1, y का कोफिशियंट 1 है, और c1 = -5। समीकरण 2 से a2 = 3 b2 = 2 और c2 = -8 है। अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, और फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो देखिए a1 upon a2
इजकल टू बी वन अपान बी टू इजकल टू सी वन अपान सी टू करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इजकल टू 1/2। तो पहले वाला ही देख रहे हैं, सामने देखिए ये ए वन अपान ए टू और ये बी वन अपान बी टू है, तो ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू है। तो जब ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू होता है तो इस स्थिति में एक अद्वितीय हल होता है, तो एक अद्वितीय हल होगा। अब आपसे प्रश्न में कहा गया था कि अगर एक अद्वितीय हल होगा तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको हल कीजिए। अब हम यहाँ वज्रगुणन विधि अप्लाई करेंगे और वज्रगुणन विधि अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए मेथड जो था वही होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे x अपान, इसके बाद फिर लिखेंगे y अपान और फिर यहाँ लिखेंगे 1 अपान। अब देखिए क्या होगा, तो हमने आपको बताया था कि जब x वाला टर्म x के नीचे लेते हैं तो x वाला टर्म छोड़ देते हैं और देखिए फिर इसके कॉफिशियंट का गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ y का कॉफिशियंट 1 है और यहाँ कॉन्स्टेंट -8 है, तो 1 इंटू हो जाएगा -8 और फिर फार्मूले में माइनस होता है। अब इसके बाद फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इंटू यहाँ है -5। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके फिर देखते हैं क्या मिलता है। ये y अपान देखिए, अब y के नीचे जब हम आएंगे तो y वाले टर्म को छोड़ देंगे और y वाले को टर्म को छोड़ने के बाद याद रखे रहिएगा y वाले में उल्टी क्रिया होगी। देखिए 3 का -5 में मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 इंटू -5 फिर माइनस और इसके बाद 2 का यहाँ -8 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 इंटू -8 होगा। अब इसके बाद 1 अपान, तो 1 अपान जब करते हैं तो कांस्टेंट वाले को छोड़ देते हैं, यहाँ सीधी क्रिया होती है सामने देखें, तो अब जो है इसका यहाँ इसका इसमें गुणा होगा, इसके कॉफिशेंट का इसके कॉफिशेंट से गुणा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और माइनस 3 का y के कॉफिशेंट से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1। और अब इन समीकरणों को हमें हल करना है। अब फिर जो है इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिल रहा है। x अपान ये हो गया आपका -8 और फिर यहाँ सॉल्व करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 5 10 हो गया। ये हो गया y अपान, ये -15 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा और 1 अपान 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। फिर देखिए x अपान 10 -8 2 हो जाएगा और y अपान 16 -15 1 हो जाएगा और 1 अपान 4 -3 1 हो जाएगा। हमने सॉल्व करने का मेथड बताया था कि एक बार पहले और अंतिम वाले को लेते हैं और फिर दूसरी बार में बीच वाले और अंतिम वाले को लेते हैं, तो चलिए हम पहले और अंतिम वाले को ले रहे हैं। x बाई 2 इजकल टू 1 अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो देखिए x में 1 का गुणा होगा x और 2 में 1 का गुणा हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम अब दूसरे और लास्ट वाले को लेंगे तो ये है y अपान 1 इजकल टू 1 अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए y में 1 का गुणा करेंगे 1 और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हम लोगों को आंसर, हम यहाँ आंसर लिख दे रहे हैं, तो आंसर हो गया x इजकल टू 2 और y इजकल टू 1। तो इस प्रकार हम लोगों को वज्रगुणन विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। हमें उम्मीद है कि प्रश्नावली 3.2 के पहले पार्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।